नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पूरी 10 खबरें बीसी शिक्षा और शिक्षा मित्र और यूपी टेट से जुड़ी हुई। चलिए आज हम इन खबरों को बताते हैं और इसके लिए आपको बस मेरे इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना होगा। सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट में लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के समाचार। इसमें सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्र, इसकी सूचना मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इसकी सूचना शासन ने मांगी थी कि कितने शिक्षा मित्र अब वर्तमान में कार्यरत हैं, जो भर्तियों में लग चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं, उनको छोड़कर कितने शेष शिक्षा मित्र प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। तो उनके लिए माह अक्टूबर का मानदेय जारी हो गया है। 1,46,760 शिक्षा मित्र वर्तमान में प्रदेश में कार्यरत हैं। 1,72,000 शिक्षा मित्र होते थे, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा मित्र शिक्षक बनते चले गए। कोई भर्तियों में 16,000 भर्ती में, 12,460 में और अब 68,500 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र चयनित हो चुके हैं। शेष शिक्षा मित्र 1,46,760 हैं, जिनके लिए माह अक्टूबर का मानदेय जिलेवार आवंटित कर दिया है। दूसरी खबर हम बताना चाहेंगे कि नीति आयोग ने प्रदेश सरकार को एक सुझाव दिया है कि 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ऐसे 2 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, जहां पर छात्र संख्या 150 से कम है, उनको मर्ज कर दिया जाए। यानी छात्र भी कम है और शिक्षक भी कम है, उनको मर्ज कर दिया जाए। तो इस प्रकार ऐसे कई विद्यालय आपस में मर्ज हो जाएंगे, जो 1 किलोमीटर के दायरे में ही 2 प्राथमिक विद्यालय खुले हुए हैं। किसका कारण यही है कि 2 विद्यालयों का व्यय अधिक आता है और वहाँ छात्र भी कम है, तो दोनों सभी को एक जगह, छात्रों को इकट्ठा करके, स्टाफ को भी एक जगह ला करके वहाँ से छिड़काव कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम तीसरी खबर आपको बताना चाहेंगे, वो है बीएड से संबंधित, कि बीएड विशेष शिक्षा डिग्री धारकों को हाई कोर्ट ने अब यूपी टेट 2018 में शामिल होने का आदेश दे दिया है। या शामिल, ये एक्चुअली भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्य बीएचयू वाराणसी द्वारा जारी बीएड विशेष शिक्षा की डिग्री धारकों को यूपी टेट 2018 में शामिल करने का आदेश हाई कोर्ट ने दे दिया है। इनको पहले मतलब इनको अनुमति नहीं दी गई थी यूपी टेट में शामिल होने के लिए, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट में केस डालकर, उन्होंने बहस कर इसकी अनुमति ले ली है। बोलते हैं कि अभ्यर्थियों को केवल परीक्षा में बैठने पर कोई नहीं रोक सकता है समानता के अधिकार के अनुसार, और इसमें कोई भी ऐसा दायित्व तो नहीं बनता है, तो इसलिए कोर्ट ने इनको अनुमति दे दी है। साथ ही साथ एनसीटीसी और राज्य सरकार से संबंध में जवाब भी मांगा है। चलिए हम अगली चौथी खबर आपको बताना चाहेंगे कि यूपी टेट 2018 की परीक्षा 18 नवंबर को है, और इसमें आज अखबार में भी ये खबर आई है कि अगर आपने यूपी टेट 2018 में सफ़ेदा यानी कि फ्लूट लगाया तो आपकी कॉपी जांची नहीं जाएगी। फ्लूट लगाने पर कॉपी जांची नहीं जाएगी। वैसे भी मशीन कंप्यूटराइज ओएमआर सीट चेक होती हैं, अगर आप ओएमआर सीट पर फ्लूट लगाते हैं तो मशीन उसको रीड नहीं करती है, और अगर कर भी लेती है तो उन मैनुअली वो बता रहे हैं कि ऐसी सीटों को निकाल दिया जाएगा जिनमें फ्लूट लगा होगा। वैसे बताया जाता है कि पहले भी जब यूपी टेट 2018 से संबंधित निर्देश आए थे, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को केवल सिर्फ ब्लैक पेन ही परीक्षा केंद्र पर ले जाना है। इसके अतिरिक्त कोई भी सामान उनको अलाउ नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, रूलर हो चाहे कैसी भी हो, कोई भी स्टेशनरी ले जाने के अलाउ नहीं है, केवल एक ब्लैक पेन ही अंदर जाएगा। तो जाहिर सी बात है गेट पे आप फ्लूट को अलाउ ही मत करिए। जब अभ्यर्थी फ्लूट को अंदर नहीं ले जा पाएगा तो फ्लूट लगाएगा कहाँ से? तो सरकार चाहे तो ये निर्देश कक्ष निरीक्षक को दे कि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी कीमत पर अंदर फ्लूट ना ले जा पाए, तो वो लगाएगा ही नहीं, समस्या आएगी नहीं। इसलिए ये कहना कि फ्लूट लगी कॉपियों को चेक नहीं किया जाएगा, हम कह रहे फ्लूट नहीं जाएगा तो फ्लूट लगेगा ही कहाँ से? चलिए इससे नेक्स्ट हम फिफ्थ यानी पांचवी खबर अब आपको बताते हैं, वो है 12 जिलों को अभी तक स्वेटर वितरण की रिपोर्ट शासन तक नहीं पहुंची। 12 जिलों से शासन को रिपोर्ट ना भेजने पर उन 12 जिलों के बीएसओ पर कार्रवाई की तलवार लटक सकती है।
ये 12 जिले हैं आपके, आगरा, औरैया, आजमगढ़, बलिया, बदायूं, बुलंदशहर, फैजाबाद, महाराजगंज, मथुरा, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और वाराणसी। ये 12 जिले ऐसे हैं जहाँ से स्वेटर वितरण की पोस्ट शासन को नहीं भेजी है। नेक्स्ट हम छठी खबर में आपको बताना चाहेंगे कि BSA प्रशिक्षित शिक्षक यानी 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों को इस UPTET 2018 में बैठने के लिए अनुमति पत्र दे, यानी एक ऐसा प्रमाण पत्र दे जिसकी वजह से अभ्यर्थी UPTET 2018 की परीक्षा में बैठ सके। क्योंकि विवाद पहले भी उठा था कि जब हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट BSA कार्यालय में जमा है तो हम BTC या BEd के प्रमाण पत्र की प्रति कैसे परीक्षा केंद्र पर ले जा सकते हैं। तो इसके संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शासन ने सभी BSA को निर्देश दिया है कि आप अपने जिले के प्रशिक्षित शिक्षकों को एक प्रमाण पत्र जारी करें जिसके द्वारा वो परीक्षा में शामिल हो सकें, वो परीक्षा दे सकते हैं। जूनियर की परीक्षा यानी प्रमोशन के लिए UPTET 2018 का फॉर्म भरा था इन्होंने, तो वो अब सभी परीक्षा दे सकते हैं, अपने जिले के BSA से जाके ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी कीजिए क्योंकि 18 तारीख को ही एग्जाम है। RTI के जवाब ना देने के कारण शामली के BSA को जुर्माना लगाया है राज्य सूचना आयुक्त जी ने। यह RTI के द्वारा एक सूचना मांगी थी पवन कुमार जी ने, जिसमें 26 मृतक आश्रितों को नौकरी देने के संबंध में सूचना मांगी थी, लेकिन इसकी सूचना नहीं दिए जाने के कारण श्रावस्ती शामली जिले के BSA आपको जुर्माना लगा दिया है राज्य सूचना आयुक्त जी ने। तो यह जुर्माना है 25,000 रुपये का, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और शामली जिले के BSA हैं। तो ये संबंधित जानकारी आज साथ खबरें और भी हम खबरें बताते हैं, जिसमें अब 8वें नंबर पे जो खबर है वो ये है कि 30 मिनट की देरी से UPTET 2018 की परीक्षा करने के कारण अब द्वितीय पेपर यानी सेकंड पेपर जो होगा वो 5:30 बजे ख़त्म होगा। 5:30 बजे तक दिन लगभग अब ढल जाता है, 6:45 बजे करीब रात हो जाती है, तो काफ़ी अभ्यर्थियों को वहाँ परेशानी होगी परीक्षा देने के बाद रात के समय, और कहीं कहीं तो सेंटर पर भी शायद हो सकता है कि लाइट जलाने की व्यवस्था भी करनी पड़े, क्योंकि 5:30 बजे तक कमरों में अंधेरा हो जाएगा, प्रॉपर रोशनी नहीं हो सकेगी, तो हो सकता है कि ओमैट सीट भरने में अभ्यर्थियों को दिक्कत आए, तो वहाँ की लाइट की व्यवस्था भी सुचारू रूप से देखनी होगी। इसके बाद 9वीं खबर हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है कि जिला अलीगढ़ में 14 नवंबर को यानी शिक्षक बाल दिवस को सघन निरीक्षण हुआ था प्राथमिक विद्यालयों का, तो जिसमें गंगिरी ब्लॉक को निरीक्षण किया गया है काफ़ी, और उसमें कई विद्यालय बंद मिले जिसमें से आपका GPS किरदरपुर, भाई नगला मझरिया, पूर्व माध्यमिक बोनई, समेना, ततारपुर आदि स्कूल बंद मिले। साथ ही एक स्कूल में बाहर बच्चे शिक्षकों का इंतजार करते मिले हैं। तो एक स्कूल का मामला बड़ा ही रोचक निकल के आया, जिसका ग्राम कासिमपुर में प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षा मित्र और दो शिक्षक नियुक्त थे, जिसमें शिक्षा मित्र जो कि पुरुष थे, पुरुष शिक्षा मित्र विद्यालय में रोटी सेकते हुए मिले और दोनों शिक्षक उसे रोटियों को खाते हुए मिले हैं। ये निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है और कहा है कि बड़ा ही मामला अजीब है, इसकी रिपोर्ट उन्होंने उच्च अधिकारी को भेज दी है और देखते हैं कि इस संबंध में क्या जानकारी और प्राप्त होती है। चलिए 10वीं खबर और हम आखिरी खबर अब आपको बताना चाहते हैं वो है कि 17 नवंबर को BLO का एक स्पेशल जो बूथ लगाया जाएगा, विशेष बूथ लगाया जाएगा। ये बूथ जो लगाया जाएगा वो महिला और विकलांगों के लिए, सॉरी दिव्यांगों के लिए लगाया जा रहा है। तो महिला और दिव्यांगों के लिए विशेष अभियान ये लगाया गया है, वो अपनी निर्वाचन संबंधित मतदाता सूची में कोई भी दावा अपना दे सकती हैं, अपना नाम बढ़वा सकती हैं, और साथ ही साथ BLO को निर्देश दिए हैं कि इस दिवस पर विशेष रूप से महिलाओं के और दिव्यांगों के ही वोट बढ़ाए जाएँ। तो ये 17 नवंबर को यानी शनिवार को ये है, जबकि 18 तारीख को UPTET की परीक्षा है, तो एक दिन पहले भी बूथ लगा दिया है सरकार ने। शिक्षा मित्रों की समस्या यहाँ भी खड़ी हो जाती है कि वो परीक्षा से एक दिन पहले पूरे दिन बूथ पर बैठेंगे या परीक्षा की तैयारी करेंगे। चलिए आज की ये थी 10 खबरें जो आज हमने आपको अपडेट दी हैं। ऐसी ही हम खबरें आपको बेस शिक्षा से और शिक्षा से जुड़ी खबरें देते रहेंगे। चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन को भी, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए।
इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका साथी गोपाल सिंह, नमस्कार।